15,000-20,000 भी जाने लगा। कभी सरकार ने यह नहीं बताया कि निःशुल्क कनेक्शन हमने दिया है, आपको बिल देना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदि प्रेस करते हैं तो इस बात को जनता के बीच में संदेश देना चाहिए। अब मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, अंधेरे में अब वो गरीब अशिक्षित खाना खाने जा रहा है तो पता रहा मुंह में डाला था पीएम जल जा रहा है, अब क्या करें। गांव से गांव कनेक्शन कट जा रहे हैं, सच पता रहा है, इसको दिखवा लीजिएगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। वही 5-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं, कनेक्शन नहीं कट रहा है, लेकिन गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय। और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, मैं गया था एक दिन, मैं सदन में उपस्थित था, दुर्घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक जिले की बात है। एक ग्राम है हरपालपुर थाना लोहता जिला वाराणसी, 17/2/2023 की घटना, मैं 21 तारीख को गया, बिजली से मृत्यु हुई। मैं 21 तारीख को गया, 4 दिन बाद, ना तो लेखपाल को पता, ना एसडीएम को पता, ना डीएम को पता। जब मैं वहां गया, लेखपाल को फोन कर रहा हूं तो कहा नहीं मुझे नहीं पता है, एसडीएम मुझे नहीं पता, डीएम मुझे नहीं पता। हमने कहा चलो, तो मैंने प्रमुख सचिव गृह को फोन किया कि माननीय ये घटना है, इसको दिखवा लीजिए। दूसरी घटना 17/2/2023 की ही प्रधानमंत्री के क्षेत्र की घटना है, पूरे नंदापुर गांव है, थाना कपसेठी है, जिला वाराणसी है, पिकअप से सड़क दुर्घटना होने पर 5 लोगों की डेथ हो जाती है, एक शर्मा, एक पाल और 3 राजभर, 5 लोगों की डेथ हो जाती है। जब मैं वहां गया, मैंने एसडीएम से बात किया कि सरकार के तरफ से इनको सहयोग राशि दी जाती है, तो कब दिया जाएगा। हमने कहा इससे ज्यादा क्या बात किया जाए। फिर मैंने इस बात को डीएम से बात किया, कहा नहीं नहीं मेरे संज्ञान में है, अगर वहीं कहीं मजबूत आदमी की बात होती, पढ़े लिखे की बात होती तो तत्काल राहत उसके घर पहुंचा दी जाती। इसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको भी देखवा लीजिएगा। और जहां तक जाति की, बहुत से साथी कह रहे हैं जाति, तहसील में थप्पा मार मार के इधर की भी सरकार, उधर की भी सरकार, इधर की भी सरकार थप्पा मार के तहसीलिया में तो लिख के देते हैं तहसीलदार कि भैया आप धार हो, आप चमार हो, आप धोबी हो, धरिकार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, अगर जाति खत्म करना चाहते हो तो पहले तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र बंद करो, तब जाति व्यवस्था बंद होगी। जाति व्यवस्था उससे पहले नहीं बंद हो सकती है, ये ओम प्रकाश राजभर का मानना है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस नाते गिनती नहीं है, बंजारा की गिनती नहीं, बड़ी चर्चा किया भाई अर्कवंशी की, तो किसी तरह एक अर्कवंशी जीत के चला आया। बीजेपी के लोगों को लगा कि अर्कवंशी तो राजभर के साथ जा रहा, इनका बिरादर है, तो अर्कवंशी को टिकट दे दिया। बंजारा का करेगा, बारी का करेगा, बिहार का करेगा, आरक का करेगा, नाई गोड़ का करेगा, लोहार का करेगा, पाल प्रजापति कुम्हार कश्यप का करेगा, इनको हिस्सेदारी नहीं मिलती गिनती ना होने के नाते। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, जब तक गिनती नहीं होगी, चाहे किसी की सरकार हो, तब तक उनके मानक के हिसाब से उनको बजट ऐलान नहीं होगा। ये ओम प्रकाश राजभर 20 साल से चिल्ला रहा है, और यहाँ हूँ, यहाँ भी चिल्लाऊंगा, वहां रहूंगा वहां भी चिल्लाऊंगा, उधर जाऊंगा तब भी चिल्लाऊंगा, अपने हक के लिए चिल्लाता रहूंगा, ये अपना चिल्लाता रहूंगा। इस नाते हम अपने साथियों से कहूंगा, समाजवादी पार्टी के भाइयों, देखो क्षमा बरन को चाहिए, छोटन को उत्पाद। आप लोग उबाल में आ जाते हो, यही दुर्गति का कारण है आप तुरंत उबाल में आ जाते हो, यही दुर्गति का कारण है। ये ओम प्रकाश राजभर है, 47 से गिनती बढ़ा के 125 कराने में अगर भूमिका निभाया, एक नंबर को ओम प्रकाश राजभर निभाया, इसको मत भूलिएगा। और नहीं सुनो भाई, देखो जीत का यही तो बात है, इसी में पे आप लोग फेल हो रहे हो, यही वजह है कि जैसा कि हमारे साथी के मंत्री जी ने कहा, यही वजह है कि छोटों पर ध्यान नहीं देते हो आप लोग। जब सरकार 4 बार आपकी थी, आप बताओ अगर हम बोले तो आपके साथ जुल्हा दुनिया, अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख, सैयद पठान, कितना हिस्सा दिया, कितना हिस्सा दिया। छोड़ दो राजभर को, पाल नाई गोड़ कुमार निषाद केवल मल्ला को छोड़ दो,
उनको क्या किया, वोट तो लोग वोट तो उनका लोगे, लेकिन हिस्सेदारी नहीं। गढ़वाल में भी भाजपा ली जाएगी, भाजपा ली जाएगी। दिया क्या आजादी के समय नौकरियों में, आजादी के बाद 38% मुसलमान था। आपने इतना विकास किया, कांग्रेस ने इतना किया, बसपा ने इतना किया, मान्यवर 1% बेचारे रह गए नौकरी में। भाजपा ने तो दो दो मंत्री बना दिया दिल्ली में। अरे हमको हटा दे, हमको चिंता नहीं। देखो भैया, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं मंत्री बनने के लिए नहीं, मैं MLA बनने के लिए नहीं, मैं सांसद बनने के लिए परेशान नहीं हूँ। परेशान अगर हूँ तो सामाजिक न्याय के लिए परेशान हूँ। हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए, इसके लिए परेशान हूँ। आपने अन्याय किया है 4 बार की सरकार में। आप बता दो हमको कितना आपने दिया। आपस में यही आपके पतन का कारण है। 38% आबादी पिछड़ों की है पूरे उत्तर प्रदेश में। 38% ओम प्रकाश राजभर को पता कर लेना, सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ओम प्रकाश के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये आप गलत संदेश अपने लिए दे रहे हो, ये मत सोचो। गांव में हम लोग घर घर घूमते हैं, हम लोग चक्की चौराहों पर, हम लोग वो नेता नहीं है कि हम आए सदन में, यहाँ आ गए हैं विधायक बन के तो बैठ करके हम मलाई खाएं, हम यहाँ सदन में आकर के मजा लें, ऐसा हम नहीं करते। हम यहाँ हैं, हम 50 आदमी गांव में जाकर भी बैठा के सुनते हैं।